गाइस रेसलमेनिया में ये क्या हो गया? द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंस को हरा दिया। इतने बड़े हार के बाद रोमन रो पड़े। तो गाइस आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमेशा की तरह आप लोगों को बस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहना है। तो फिर चले गाइस आज के इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी को पता था कि ये कन्फर्म है कि रेसलमेनिया में रोमन ही विनर होने वाले थे, लेकिन गाइस अभी एक बड़ा चमत्कार हो चुका है। रेसलमेनिया को होने में कुछ ही घंटे बचे हैं और अभी न्यूज़ ये आ रही है कि ब्रॉक रेसलमेनिया में रोमन को हरा के एक नया रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। गाइस कुछ दिन पहले WWE इस पिक्चर को पोस्ट करती है। इस पोस्ट के थ्रू WWE फैंस को ये बताना चाहते हैं कि रेसलमेनिया में ब्रॉक रोमन को हरा के डबल चैंपियन बनने वाले हैं। लेकिन WWE फैंस काफ़ी तेज़ हैं। वे ये चीज़ अच्छी तरह से जानते हैं कि WWE हमारे साथ मजाक कर रही है, क्योंकि WWE अपने बड़े मैच से पहले हमेशा ये करते हैं कि उन्हें मैच में जिस भी सुपरस्टार को हराना होता है, वे मैच से पहले हारने वाले सुपरस्टार का चैंपियनशिप बेल्ट के साथ अपने सोशल मीडिया पर उसे पोस्ट करते हैं और फैंस को ये बताने की कोशिश करते हैं कि यही सुपरस्टार विनर होगा। WWE का ब्रॉक के उस पिक्चर को पोस्ट करने के बाद फैंस अब पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गए हैं कि रेसलमेनिया में फाइनली रोमन ही विनर होने वाले हैं। इसके बाद WWE फैंस को कन्फ्यूज करने के लिए ब्रॉक की तरह रोमन के पिक्चर को भी पोस्ट कर देते हैं एज अ डबल चैंपियन। WWE के इस पोस्ट के बाद फैंस को ऐसा लग रहा है कि क्या रेसलमेनिया में अब ब्रॉक रोमन को हराने वाले हैं। गाइस फैंस का ये सोचना काफ़ी हद तक सही है। जैसा कि हमें पता है कि रोमन और ब्रॉक रेसलमेनिया में पहले भी फाइट कर चुके हैं और मैच में हर बार ब्रॉक ने रोमन को हराया है। इस बार के रेसलमेनिया में अगर ब्रॉक रोमन को हरा देते हैं तो वे WWE के पहले सुपरस्टार बन जाएंगे जिन्होंने एक साथ कंटिन्यूस रॉयल रंबल, एलिमिनेशन चेंबर और रेसलमेनिया में जीते हों। लेकिन गाइस ब्रॉक के बारे में इतना कुछ कहने के बाद भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि रेसलमेनिया में वे रोमन रेंस को हरा ही देंगे। रोमन रेंस अभी अपने गॉड मोड में चल रहे हैं और अभी उनके इस मोमेंटम को ब्रेक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। रोमन ने कह दिया है कि वे रेसलमेनिया में ब्रॉक से बिल्कुल भी नहीं हारने वाले हैं। हाँ गाइस ये सच है कि रेसलमेनिया में रोमन के विनर होने के चांस ब्रॉक से तो ज़्यादा है। गाइस अब जल्दी ये मैच हो जाए क्योंकि हम फैंस अब इस मैच का वेट नहीं कर पा रहे हैं। तो गाइस आज के वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को आज की ये छोटी सी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन भाइयों ने वीडियो को एंड तक देखा है उनको मेरा थैंक्स। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस एंड टेक केयर।